हेलो फ्रेंड कैसे हो आप सब में वीसी और आप देख रहे बाउंड टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम बात करने वाले जो हमारा नया आईपीओ आने वाला है हैप्पीएस्ट माइंड का उसके क्या डिटेल्स रहेंगी कैसे इसके फाइनेंशियल रहेंगे और लास्ट में हम देखेंगे इसको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए चीज को आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए अभी हम इस कंपनी की थोड़ी डिटेल जान लेते हैं सो हमें आईडिया आए कि यह कंपनी कर क्या रही है तो यह कंपनी बेंगलुरु

आईटी सर्विस प्रोवाइडर की एक कंपनी है अभी हम इसकी और डिटेल जान लेते हैं, तो अभी हम आ चुके आईपीओ की डिटेल के ऊपर तो पहले आईपीओ की डेट क्या आने वाली है तो 7 सितंबर से लेकर 9 सितंबर ये आईपीओ ओपन रहने वाले आप इसके बीच में कभी भी अप्लाई कर सकते हो बाद में इ्यू साइज कितनी होगी तो ईस्यू साइज 702.02 करोड़ की साइज होगी बाद में फ्रेश होगा 110 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल में 592.02 करोड़ होंगे अभी इसका जो फेस वैल्यू होगा वो टू इक्विटी पर शेयर होगा बाद में आईपीओ की जो प्राइज होने वाली है वो कौन सी होने वाली है मतलब किस प्राइज पे आपको आईपीओ अप्लाई कर सकते वो होगा 165 से लेकर 166 ये इसकी प्राइस बैंड दोनों में से जो प्राइस आपको सही लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो लेकिन अगर आईपीओ सही है आईपीओ एक अच्छा है तो आपको कट ऑफ प्राइस पे ही वो मिलेगा तो बाद में हम देख लेते हैं इसका लोड साइज तो लोड साइज 90 शेयर का ये लोड साइज है मतलब 90 शेयर आपको मिनिमम परचेस करने अगर उसके बाद अगर आपको ज्यादा परचेस करने तो 90 के मल्टीप्लाई में आप बाय कर सकते हो बाद में ये लिस्टिंग कहा होगा तो लिस्टिंग जो आपका होगा वो एन एस और बी और दोनों पे ये लिस्ट होगा अभी हम इसके जो ओपनिंग डेट होती है क्लोजिंग डेट अलॉटमेंट कब होगा बाद में आपको शेयर डिमिट अकाउंट में कब आएंगे वो डिटेल वगैरह देख लेते हैं तो जो ये आई है उसकी बीडिंग ओपन होने वाली है सेवन सप्टेम्बर cool बाद में इसकी बिल्डिंग क्लोज कब होगी नाइन सप्टेम्बर को उसके बाद आता है अलॉटमेंट की प्रोसेस तो फोर्टीन सप्टेम्बर को आपकी ये प्रोसेस होगी बाद में जिसको मिला है उसको शेयर आ जाएंगे जिसको नहीं मिला उसको रिफंड आपको फिफ्टीन सप्टेम्बर को देखने को मिलेगा बाद में ये आपके शेयर डिमेट अकाउंट में कब आएंगे तो ये शेयर आपको डिमेट अकाउंट में फिफ्टीन सप्टेम्बर को आ जाएंगे बाद में ये आई लिस्ट कब होगा तो सेवनटीन सप्टेम्बर को यह आई आपका क्या है कि लिस्ट होता हुआ आपको एक्सचेंज पर दिखेगा तो तो अभी हम इस कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते आइडिया है कि यह कंपनी है कैसी और इसे हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी हम आ चुके इस कंपनी के फाइनेंशियल के ऊपर तो पहले हम टोटल एसेट देख लेते तो टोटल एसेट जब हम ईयर टू ईयर देख रहे तो वो ईयर टू ईयर इंक्रीज़ होता जा रहा है तो कोई भी कंपनी के लिए ईयर टू ईयर अगर क्या है कि एसेट इंक्रीज होते तो वो उसके लिए अच्छी बात होती है तो बाद में हम रेवेन्यू देखते तो रेवेन्यू भी आप देखते हो तो वो ईयर टू ईयर इंक्रीज़ होनी चाहिए तो आप रेवेन्यू जब देखते हो तो दो से ले कर दो में इंक्रीज़ हुआ दो से लेकर दो में इंक्रीज़ हुआ तो टोटल रेवेन्यू भी क्या है कि ईयर टू ईयर इंक्रीज़ होता जा रहा है जो अच्छी बात होती है कोई भी कंपनी के लिए बाद में हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते तो वो भी ईयर टू ईयर इंक्रीज होना चाहिए तो 2018 में इसने लॉस बताया था बाद में 2019 में प्रॉफिट हुआ और बाद में 2020 में भी इसने एक अच्छा प्रॉफिट कमाया तो इन सिंपल जब हम क्या है कि इसके फाइनेंशियल देखते तो मेरे को इतनी ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है फाइनेंशियल मेरे को अच्छे दिख रहे तो अभी हमें क्या करना है इस आई पी को अप्लाई करना है या नहीं करना है तो मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए लास्ट लास्ट डे डे तक अगर आपको एक अच्छा सब्सक्रिप्शन मिल गया तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं अगर अच्छा सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो तो अभी हम एक बार इस आई का इन्वेस्टर कैटेगरी देख लेते तो जब हम कैटेगरी देखते तो इसमें क्यू के लिए सेवेंटी है बाद में हम एन के लिए बात करें तो उसके लिए फिफ्टीन है और सबसे कम रिटेल के लिए है वो है टेन तो इन सिंपल जब हम इस आईपीओ को देखते हैं कि तो सबसे ज्यादा क्यू को पोर्सन दिया गया है उसके बाद एन को और लास्ट में रिटेल को तो ये था हैप्पीएस्ट माइंड्स आईपीओ का फुल डिटेल वीडियो अभी आपको इसको अप्लाई तभी करना है जब आपको इसमें लास्ट डे पे एक अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन दिखाई दे तो दोस्तों ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और इसी वीडियो आगे लेके आएंगे सो तो प्लीज यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टट्टा गुड बाय जय हिंद